हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम सब कोई रेडी हो चुके हैं। ये देखिए जीत और ये मिस्टर पुरोहित और ये बैठी है दीदी और अंदर और ये है नया हीरो छोटा अप्पू हाथी। अप्पू हाथी क्यूट हाथी जिसे बोलते हैं ना, अप्पू राजा वो है हमारे घर का। और यहाँ पे है शेखर स्वाति, रेडी हो रहे। आज थोड़ा मैचिंग बिगड़ गया शेखर। आज किसी का मैचिंग नहीं है, हम तीनों का खाली मैचिंग है, दीदी मेरा और स्वाति का। आज एक्चुअली रीत और उसकी नहीं, रीत और मेरा मैचिंग है। रीत ये देखिए, शायद रीत का और मेरा थोड़ा थोड़ा मैचिंग हुआ है। टिके तो फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ पिक्स जो मैं वहाँ पे बैठ बैठ के उठा रही थी, ये मिस्टर पुरोहित के साथ। इसमें एक शॉर्ट्स भी है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। हम लोग जा रहे हैं, दीदी मैं स्वाति मिस्टर पुरोहित जीत और रीत और शेखर, हम इतने लोग जा रहे हैं आज संबलपुर एक शादी में। हम तीनों ने ये पाटो साड़ी पहना है, ये है टिशू पाटो साड़ी बोलते हैं, टिशू पाटो संबलपुरी साड़ी है। उसमें टिशू मिक्स मतलब गोल्डन कलर का एक धागा मिक्स करके वो बनाते हैं ये साड़ी। और ये तीन साड़ी हमने लिया था मीत और रीत का जो व्रत हुआ था जनेऊ के टाइम पे, टिशू पाटो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये हम घर से निकल चुके हैं और ये आधा रास्ता पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये हम संबलपुर एंट्री कर रहे हैं अभी और अभी पहुंच जाएंगे हम लोग जहाँ पे शादी हो रहा है। तो ये है वो प्लेस जहाँ पे शादी हो रहा है। देखिए उधर पार्किंग है, मिस्टर पुरोहित लोग पार्किंग करने गए हैं और दीदी लोग अंदर जा रहे हैं। मैं बोली आप लोग जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं थोड़ा शूट कर रही थी, यहाँ पे कुछ प्लांट्स दिखा मुझे, बहुत ही प्यारा बोगनविलिया का बहुत अच्छा प्लांट्स था यहाँ पे। देखिए ये वाला जो कागज़ का फूल है ना, उसी का ही बोगनविलिया बोलते हैं उसे, तो इतना प्यारा प्यारा कलर था। मैंने वहाँ पर कुछ पिक्स उठाया और ये मिस्टर पुरोहित आ गए। चलिए चलते हैं अंदर शादी एंजॉय करने के लिए। यही सेम ब्लॉग दीदी ने भी आज छोड़ा है और मैंने भी, मैंने कुछ अलग व्यूज़ छोड़ा है, दीदी कुछ अलग व्यूज़ छोड़ी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये हम लोग अंदर जा रहे हैं, ये एंट्री है। यहाँ पे अंदर जाने के लिए यही रास्ता है और यहाँ पे ऐसे ही डेकोरेट किया रहता है और जो गार्डन है वहाँ पे सब कुछ होता है, पार्टी वार्टी। तो हम ये अंदर जा रहे हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुआ था और यहाँ पे हम लोग बहुत लोगों से मिले और देखिए बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये है गीतू, हाय बोल रही है आप सबको। ये है मंजू यानी, देखिए सबको हाय बोल रहे हैं। ये सुंदरगढ़ की है, वो टीचर थी, रिटायर कर चुकी है। और ये शादी जो हो रहा है, ये गीतू की भांजी का शादी हो रहा है, गीतू उनकी बेटी है। और ये गीतू की बेटी है और ये गीतू की भाई की मिसेस है और ये गीतू का बेटा बाबू है, नीचे छोटा बाबू भी है। और देखिए कितनी प्यारी गुड़िया है, जी गीतू की बेटी है, बहुत ही प्यारी है, ये आके मुझसे मिली। देखिए और यहाँ पे स्टेज में सब फ़ोटो वोटो उठा रहे हैं। एक्चुअली गीतू हमारे रिलेटिव लगेगी, मेरी जेठानी जो है उनकी भाभी लगेगी गीतू। तो मेरी जेठानी जो है गीतू की मतलब ननंद है और ये जो शादी हो रहा है गीतू की बड़ी ननंद की मतलब मेरी जेठानी की बड़ी दीदी की बेटी है ये। तो हम लोग गए यहाँ पर शादी में अटेंड करने के लिए, बहुत ही प्यारी गुड़िया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, उसका सब कोई पिक उठा रहे थे। और ये है सेल्फी कॉर्नर, यहाँ पर देखिए मामा मामी और बाबू तीनों का फ़ोटो उठा रही है। देखिए कैसे मामा का फ़ोटो उठा रही है और बाबू इतना क्यूट मजाक कर रहा था ना वहाँ पे, और सब लोग जाके स्टेज में ऐसे ही फ़ोटो उठा रहे थे। और ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, इनसे भी मिले, ये और एक भी सब्सक्राइबर है, दीदी से सब कोई आके मिल रहे थे, सब कोई वीडियो देखते हैं, बहुत लोग मिले हैं दीदी से। और ये देखिए मेरे भतीजे सब ऊपर हैं और मैं अभी स्टेज के ऊपर जा रही हूँ, हमें स्टेज पे लेना है फ़ोटो। और मेरे भतीजे सब कोई मिल रहे हैं, देखिए क्यूट क्यूट हैं सब कोई। अभी हम लोग स्टेज में ना पिक उठाएंगे और ये क्यूट से बाबू को देखिए, यहाँ पे ना बहुत एंजॉय किए, बहुत लोगों से मिले, बहुत सारे फ्रेंड से मिले। और ये दीदी मिल रही है, गीतू मिल रही है सबसे, फ़ोटो उठा दूंगी बोली दीदी। मैं और स्वाति वहाँ पे गए थे फ़ोटो उठाने के लिए ना, तो गीतू फ़ोटो उठा रही है, इधर से मिस्टर पुरोहित फ़ोटो उठा रही है। ये देखिए फ़ोटो हम लोग का मतलब चालू है, चलिए फिर आगे मैं दिखाती हूँ, बहुत सारा मस्ती। और चलिए अभी उठाते हैं एक ग्रुप फ़ोटो सेल्फी में, देखिए सबको ही हम लोग अभी सेल्फ़ी लेंगे और सेल्फ़ी लेने के लिए तो मैं ही आगे रहती हूँ, तो चलिए लेते हैं सेल्फ़ी।
उसके बाद देखिए मेरी ये मेरी जेठानी है जो अभी आप जिसको देख रहे हैं फोटो में, ग्रीन और कॉफ़ी कलर का, मरून कलर का सॉरी, बहुत क्यूट लग रही थी आज वो। वो आज पार्लर से मेकअप लेके आई है इसीलिए कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है। जी हाँ, यही है मेरी जेठानी। और देखिए ये प्यारी सी गुड़िया, मैं सब लोगों के साथ वहाँ पे पिक ली। और ये है दुल्हन की मम्मी और ये है मेरी फ्रेंड रश्मि, इससे भी मैं मिलवाऊँगी आपको आगे। और ये देखिए ये तो सबके साथ मैंने लिया सेल्फी। और ये रश्मि लोग मिल रहे हैं क्योंकि दुल्हन जो है ना उनकी मम्मी और रश्मि सेम स्कूल में टीचर हैं। रश्मि मेरी क्लास 10th में फ्रेंड थी, मतलब एक ही कोचिंग में हम लोग पढ़ते थे। बहुत ही प्यारी है, संबलपुर में रहती है वो। और ये दुल्हन के साथ उठाई लेकिन वो आँख बंद कर दी थी, कोई बात नहीं। और ये देखिए प्यारी सी गुड़िया। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट हुआ था नीचे खाने पीने का, तो चलिए वहाँ पे थोड़ा चलते हैं। और यहाँ पे सेल्फी कॉर्नर में भी हमने फ़ोटो उठाया है। और देखिए मैं जा रही हूँ आगे चल के, चलिए मैं खाना वाना थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। अच्छा लगता है ना शादी वादी में खाना वाना का जो रहता है, अलग अलग वैरायटीज़ रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे चिकन पकोड़ा था, बहुत सारा खाना था, खाने का तो कमी ही नहीं था, क्या नहीं था पूछोगे। और सब टेस्टी, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मेरी बड़ी वाली जेठानी आ गई है और दीदी अपने एक सब्सक्राइबर से मिली, क्यूट सी सब्सक्राइबर, और वो रीत से भी मिल रहा है देखिए। और ये सबको आ गए हैं यहाँ पे, हम लोग बातें कर रहे हैं। ये मेरी बड़ी जेठानी है, वो भी आप सबको हाय बोल रहे हैं, वो भुवनेश्वर में रहते हैं। और यहाँ पे सबको ही खाने के लिए आ गए हैं थोड़ा बहुत। और ये मेरी ननंद है, मेरी बड़ी चाची जो है उनकी बेटी मिस्टर पुरोहित, और ये दोनों फ्रेंड हैं इसलिए हम दोनों को हाय बोलते हैं। ये देखिए बड़ी दीदी के साथ। और ये मेरी प्यारी सी भांजी, देखिए ये मेरे चाचा जी हैं, छोटे चाचा जी, उनकी बेटी की बड़ी बेटी है ये। देखिए सबसे हम लोग मिल रहे थे यहाँ पे, वही मतलब ऐसे शादी वादी में कहीं पे जाओगे ना सबसे मिलने से बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी बड़ी चाची जी हैं और भैया हैं यहाँ पे, सब कोई मतलब चाची का तबीयत ठीक नहीं है ना, उनका पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसीलिए वो वॉकर लेके चलती हैं, वो ऊपर ही बैठी नीचे और नहीं आई, बहुत तकलीफ़ से आई थी। और यहाँ पे मीठा पान बनाया जा रहा था। और ये आ गया स्टेज में, अगेन स्टेज में हो रहा है मस्ती। क्या मस्ती, फैमिली पिक, ये तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब यही चांस रहता है फ़ोटो उठाने का फैमिली के साथ। और ये देखने अपने दादू के साथ फ़ोटो उठा रही है, कितना प्यार है दोनों में, अच्छा लगता है ना दादा दादी इन लोग के साथ फ़ोटो उठाना, वो अलग ही मज़ा है। और ये देखिए वंदना पंडा मैडम, मैडम हमारी सब्सक्राइबर हैं, वो दीदी से बात कर रही थी, मुझसे भी मिली, बहुत अच्छा लगा, हमेशा कमेंट देते हैं और बहुत ही अच्छी हैं, वो सारा वीडियो देखते हैं, हम लोग के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं उनको सब पता है। और ये आ गई है मेरी जेठानी और मेरे जेठ जी और उनके दो बेटे, उनका फैमिली फ़ोटो चल रहा है, इन्हीं की बड़ी दीदी की बेटी है ये। और सब कोई फ़ोटो उठा रहे हैं और अपने पापा के साथ भी फ़ोटो उठा रही थी। और यहाँ पे मैडम बोल रहे थे कि मैं ज़रूर आऊँगी सुंदरगढ़ और आप लोग भी हमारे घर ज़रूर आइए। जी हाँ मैडम, हम ज़रूर जाएंगे, कोई भी बाहर ऐसे सब्सक्राइबर मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम सारे फैमिली मिल गए हैं। और ये मेरी और एक ननंद है जो बीच में दिख रही है ना रानी, उनसे भी मिले, देखिए आप सबको हाय बोल रहे हैं, सबको यहाँ पे फैमिली फ़ोटो उठा रहे थे ये वाला। देखिए और एक भांजी है यहाँ पे, और ये हमारे जितने बॉयज़ हैं वो, ये मेरे भांजे हैं और ये तो जीत है सबको पता है। और उसके बाद देखिए मैं इधर थोड़ा सा गई क्योंकि हम लोग रात में रुक नहीं पाए यहाँ पे, तो मैं सोची कि मंडप ही थोड़ा आपको दिखा दूँ। तो हॉल में मंडप था, देखिए कितना सुंदर लग रहा था, पूरा रेड कलर में मंडप, बहुत ही प्यारा लग रहा था। रेड कलर एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है ना, तो ये जो फ्लावर से पूरा फुल फ्लावर रेड फ्लावर से बनाया गया है, बहुत ही क्यूट लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और मैं साइड में गई थी, यहाँ पे जो होटल है यहाँ पर, ये वाला देखिए बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे मैंने एक दो शॉर्ट्स भी बनाया, आप लोग प्लीज़ जाके मेरे सारे शॉर्ट्स देखिए, चेक कीजिए और लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यहाँ पर ना ये एक स्टैच्यू था जो भी बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा अच्छा सीन है फ़ोटो उठाने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल आए, देखिए सब कोई अभी निकल रहे हैं बाहर, हम वेट किए हैं, हम लोग अभी घर जाएंगे और बाराती भी पहुँच चुका है करीब पास में, लेकिन हम बाराती तक वेट नहीं कर पाए, हम लोग आ गए थे। मैं रास्ते में आपको बाराती दिखाऊंगी, चलिए अभी इसके बाद आप बाराती देख के एंजॉय कीजिए।
फ्रेंड्स, हम आके घर पहुंच गए। शेखर स्वाति पीछे बैठे थे और हम लोग आगे बैठे थे और स्वाति उतर गई है, शेखर अभी उतरेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, एक स्पेशल ब्लॉग मेरे गार्डन का, ज़रूर देखिएगा। बाय।